नमस्कार दोस्तों, और मेडी अपडेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताएंगे जिनमें अगर आप राजमा का सेवन करते हैं तो आप इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेडी अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। राजमा एक ऐसी सब्जी है जिसे बड़ी शौक से खाते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को राजमा काफ़ी पसंद होते हैं। सिर्फ स्वाद में ही नहीं, राजमा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें काफ़ी मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। राजमा खाने से शरीर कई तरह की बीमारी से दूर रहता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वह कौन कौन से राजमा के फायदे हैं और किस किस बीमारी में वह काम आते हैं। जिन लोगों की पाचन शक्ति खराब हो या कब्ज की समस्या हो, उन्हें राजमा का सेवन जरूर करना चाहिए। इसे सब्जी के अलावा सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं। इससे पेट अच्छी तरह साफ हो जाता है और कब्ज की समस्या दूर होती है। राजमा में मौजूद विटामिन बी दिमाग की कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी होता है, जो माइग्रेन जैसी समस्या को ठीक करता है। जिन लोगों को शुगर होती है, उनके लिए भी राजमा बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। दोस्तों, राजमा खाने से शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे किडनी स्वस्थ रहती है। इसके अलावा गुर्दे में पथरी होने पर भी राजमा का सेवन करना फायदेमंद होता है। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल संतुलित रहता है, जो दिल को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा राजमा का सेवन करने से शरीर में रक्त का दौरा भी बढ़ता है। तो दोस्तों, देखा हमने राजमा के फायदों के बारे में। आप भी इसे अपने, अगर किसी को रोग है तो इसे इसका इस्तेमाल करें, इसका सेवन करें और इन बीमारियों से दूर रहें दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल मेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।